आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी और बहुत ही क्रिस्पी जलेबी। और एक कटोरी मैदा से 1 किलो से ज़्यादा जलेबी बनाकर तैयार किया है, बहुत ही आसान तरीक़ा से और बहुत ही कम सामान में और बहुत कम समय में। और ये रेसिपी आपको अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं कि आखिर हमने ये जलेबी बनाया कैसे है। यहाँ पर देखिए मैंने 1 कटोरी मैदा ले लिया है जलेबी बनाने के लिए, और 1 कटोरी मैदा से मैंने 1 किलो जलेबी बनाकर तैयार किया है फ्रेंड्स। तो आप भी बनाकर तैयार कर सकते हैं थोड़ी सी मैदा में बहुत सारे जलेबियाँ। तो अब हम क्या करेंगे, मैदा के अंदर हम कुछ भी ऐड नहीं करेंगे पानी के अलावा, सिर्फ पानी ही ऐड करेंगे। यहाँ पर हम बाद में बाकी चीज़ें ऐड करेंगे जो भी ऐड करना होगा, तो सिर्फ हम फिलहाल पानी ही ऐड करेंगे। तो पानी से हमको घोल बना लेना है देखिए इस तरीके से। तो एकदम से हम पानी नहीं डालेंगे, नहीं तो क्या होगा ना कि गीला जल्दी से हो जाएगा और आपको मैदा लेना पड़ सकता है। तो इसीलिए हम यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके ही पानी ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हमको अच्छे से फेंट लेना है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप एक बार जलेबी बनाकर तैयार कीजिएगा, आपका जलेबी फर्स्ट बार बनाएंगे ना तो भी फेल नहीं होगा, एकदम परफेक्ट जलेबी बनके तैयार होगा। और यहाँ पर देखिए मैंने अच्छा से घोल लिया है। अब हम क्या करेंगे, 10 मिनट के लिए, सिर्फ 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रखेंगे। उसके बाद जब तक मैदा रेस्ट पर है तब तक हम चाशनी बनाकर तैयार करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने 2 कटोरी चीनी ऐड कर दिया है, और जिस कटोरी से चीनी ऐड किया है ना उसी कटोरी से 1 कटोरी हम पानी ऐड कर लेंगे, तो इसका परफेक्ट चाशनी बनके तैयार होगा। तो यहाँ पर हमको एक तार वाला चाशनी बनाना है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हम चीनी को अच्छे से मेल्ट होने देंगे पहले। तो यहाँ पर देखिए चीनी बहुत बढ़िया से मेल्ट हो गया है। जलेबी के अंदर मार्केट वाला टेस्ट आए उसके लिए यहाँ पर हमको इलायची पाउडर ऐड कर देना है 1/2 चम्मच। अगर आपके पास इलायची पाउडर ना हो तो आप इलायची कूटकर यहाँ पर डाल सकते हैं, उससे भी बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। तो यहाँ पर हमको अच्छे से मिक्स कर लेना है इलायची। यहाँ पर चाशनी को पकते हुए 6-7 मिनट हो चुका है फ्रेंड्स। तो देखिए एक तार बन रहा है, इसका मतलब हमारा चाशनी परफेक्ट तैयार हो गया है। मैदा को सेट होते हुए 10 मिनट बीत चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे देसी घी। तो मैंने यहाँ पर 1.5 चम्मच के करीब देसी घी ऐड किया है। इससे क्या होगा ना कि बहुत ही कुरकुरी सी हमारी जलेबी बनके तैयार होगा और टेस्ट भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो फ्रेंड्स आप चाहे तो यहाँ पर रिफाइंड ऑयल भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन देसी घी की बात अलग होती है। तो यहाँ पर हमको क्या करना है कि देसी घी को मैदा के अंदर अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो मिक्स करना बहुत ज़रूरी है, हमको 7-8 मिनट तक अच्छे से मिक्स करना है, तभी हमारा जलेबी अच्छा बनके तैयार होगा, एकदम कुरकुरी सी जलेबी बनती है फ्रेंड्स। तो फेंट लेते हैं, पहले हम मिक्सर की मदद से अच्छे से फेंट लेंगे। आप चाहे तो हाथ से भी फेंट सकते हैं या चम्मच से भी फेंट सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 7-8 मिनट हो गया है फेंटते हुए हमको। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें कलर ऐड करेंगे। जिस तरीके से हलवाई लोग जलेबी के अंदर कलर ऐड करते हैं ना, हमको उसी तरीके से यहाँ पर कलर ऐड कर लेना है और अच्छे से मिक्स कर लेना है। कलर को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे मैदा के अंदर। मैंने यहाँ पर ऑरेंज फूड कलर का इस्तेमाल किया है, यही इस्तेमाल होता है फ्रेंड्स जलेबी के अंदर। आप चाहे तो जब बनाते हो ना चाशनी उस वक्त में डाल सकते हैं, या यहाँ पर पेस्ट में भी डाल सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अखड़ी में इनो ऐड करेंगे 1/2 चम्मच। अगर आपके पास इनो ना हो तो बेकिंग पाउडर भी 1/2 चम्मच ऐड कर सकते हैं, उससे भी बहुत ही अच्छी कुरकुरी सी जलेबी बनके तैयार होती है और फूलता भी है। तो यहाँ पर हम इनो के अच्छे से मिक्स कर लेंगे फ्रेंड्स। तो देखिए बहुत ही बढ़िया से ये मिक्स हो गया है और हमारा ये जलेबी बनाने के लिए ये पेस्ट परफेक्ट हो गया है। देखिए इसका कंसिस्टेंसी अच्छा रहेगा ना तो जलेबी भी बहुत बढ़िया से बनेगा फ्रेंड्स। अब हम क्या करेंगे, जलेबी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक बोतल का इस्तेमाल किया है। बोतल के ढक्कन है ना उसमें मैंने छेद कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, बोतल के अंदर डाल देंगे पेस्ट को और ढक्कन अच्छा से बंद कर देंगे, टाइट से ढक्कन बंद करेंगे यहाँ पर। अब चलिए फटाफट से जलेबी को फ्राई कर लेते हैं। उसके लिए देखिए मैंने पैन रख दिया है गैस पर, गैस को ऑन कर दिया है और पहले से ही मैंने ऑयल डाल दिया था पैन के अंदर। ऑयल बहुत बढ़िया से गर्म है। अब हम क्या करेंगे, जितना आ जाएगा पैन के अंदर उतना हम जलेबी फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए कितना बढ़िया से हमारा जलेबी गोल गोल बन रहा है, देख सकते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर देखिए 6-7 डाल दिया है और 1/2 मिनट हो गया है पकते हुए। अब हम पलट लेते हैं, 1 से 2 मिनट में ही हमारा जलेबी फ्राई हो जाता है फ्रेंड्स। बहुत ही कम समय लगता है, बनाना बहुत ही आसान है और खाने में बहुत टेस्टी घर का जलेबी लगता है फ्रेंड्स। तो आप भी बनाकर ट्राई कीजिएगा, इस तरीके से जलेबी बनाएंगे तो आपका जलेबी कभी फेल नहीं होगा, बहुत ही अच्छा बन के तैयार होगा। तो घर का जलेबी मार्केट से भी बहुत टेस्टी लगती है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने अलटते पलटते हुए बहुत बढ़िया से फ्राई कर लिया है, ये बहुत ही अच्छा से क्रिस्पी हो गया है। अब हम निकाल लेते हैं और जो बाकी जलेबी का पेस्ट है ना हम इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। देखिए कितना बढ़िया हमारा जलेबी गोल गोल बन के तैयार हुआ है, देख सकते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर देखिए पैन के अंदर से मैंने निकाल लिया है।
अब हम क्या करेंगे, गरम गरम जलेबी को चाशनी के अंदर हम डाल देते हैं और चम्मच की मदद से अलट पलट देंगे। सिर्फ एक मिनट के लिए रखेंगे, एक मिनट में ही हमारा ये जो जलेबी है ना एकदम रसीली बन के तैयार हो जाएगी। एक मिनट से हम ज़्यादा नहीं रखेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत ही अच्छा हमारा ये जलेबी देखिए बन रही है। तो हमको एक मिनट तक रखना है और अलट पलट देना है इस तरीके से। तो हम सारे जलेबी इसी तरीके से हम चाशनी के अंदर डाल के निकाल लेंगे। तो देखिए कितना बढ़िया हमारी रसीली जलेबी बन के तैयार हुआ है, देख सकते हैं फ्रेंड्स। सारे निकाल लेते हैं चाशनी। यहाँ पर देखिए फाइनली हमारी जलेबी बन के तैयार हो गई है फ्रेंड्स, खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो बहुत ही कम सामान में बहुत सारा जलेबी देखिए बन के तैयार हो गया है। तो आप भी बहुत ही आसानी से जलेबी बना के तैयार कर सकते हैं। बहुत ही रसीली हमारी जलेबी बन के तैयार हुई है। तो मैं आपको तोड़ के दिखा देती हूँ, बहुत ही क्रिस्पी जलेबी बना है। तो देखिए मैं आपको तोड़ के भी दिखा देती हूँ, आवाज़ को रिमूव कर रखा है, नहीं तो आवाज़ आती आपको। तो फ्रेंड्स बहुत ही आसान है बनाना जलेबी और खाने में बहुत टेस्टी लगती है घर के जलेबी। तो आप भी ट्राई ज़रूर करिए। तो ये रेसिपी आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट में बताइएगा। ज़रा सा अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।